हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। मैं आशा करता हूं कि आपकी स्टडी बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप इंतजार कर रहे थे IUPAC पार्ट टू का। दोस्तों, कई मेरे दोस्त ने यहां कमेंट किए थे कि पार्ट टू जल्द से जल्द लाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उनकी कमेंट को पूरा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की लेसन को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि IUPAC को समझना ये बिल्कुल साधारण बात है, बिल्कुल यूं समझो तो आम बात। दोस्तों, ये जो आप टेबल देख रहे हैं ना, इस टेबल में जितने भी सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी के हम IUPAC नाम बताएंगे आपको, और बिल्कुल बढ़िया ट्रिक की मदद से। जी हाँ, और सीधा दिमाग में जाएगा, यहां वहां कहीं नहीं जाएगा। माइंड के जितने भी पार्ट है ना, सभी में डाल दूंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आया ना तो जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार लेसन को हम शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आइए कुछ हम बेसिक चीज समझ लेते हैं। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बेसिक चीज के बारे में बताया था, फिर भी मैं थोड़ा सा दोबारा इसमें हम रीडिंग कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, परफिक्स और सफिक्स, परफिक्स और सफिक्स के मेल से जो नाम बनता है उसे ही हम IUPAC नाम कहते हैं। दोस्तों, अगर कार्बन की संख्या एक होगी ना, तो उसके लिए हम मेथ लिखेंगे। मैं यहां एक बात क्लियर कर दूं कि परफिक्स को हम पहले लिखते हैं और सफिक्स को बाद में लिखते हैं, ये आप क्लियर रखिए। अगर कार्बन की संख्या एक तो उसके लिए लिखेंगे मेथ, अगर कार्बन की संख्या दो तो उसके लिखेंगे एथ, अगर कार्बन की संख्या तीन है तो उसके लिए लिखेंगे प्रोप, अगर कार्बन की संख्या चार तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट, अगर पांच रहेगा तो पेंट लिखेंगे, अगर छह रहेगा तो हेक्ट, सात रहेगा तो हैप, और आठ रहेगा तो ऑक्ट, और नौ रहेगा तो नॉन, और दस रहेगा तो डेक लिखेंगे। बस अब इधर हम बात करते हैं सफिक्स। देखिए, दो कार्बन के बीच अगर एक बाउंड होगा ना, तो उसके लिए लिखेंगे एन लास्ट में, और दो कार्बन के बीच दो बाउंड रहेगा तो उसके लिए लिखेंगे इन। देखिए, एक बाउंड ये यूं समझ लीजिए कि एक लाइन रहेगा, दो बाउंड कहा जाए तो दो लाइन रहेगा, और तीन बाउंड कहा जाए तो तीन लाइन रहेगा। तो कार्बन के बीच यहां तीन बाउंड है तो उसके लिए लिखेंगे आई। दोस्तों, ये जितने भी शब्द आते हैं इन शब्द को हम लास्ट में लिखते हैं, और इनमें से जितने भी शब्द आते हैं उन शब्द को हम पहले लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, चलिए आइए हम इस उदाहरण की मदद से समझते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिखा है CH4, और CH4 का हम IUPAC नाम हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि IUPAC नाम निकालने के लिए आपको संरचना सूत्र मालूम होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालने आना चाहिए। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल करके बताता हूं। दोस्तों, कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे एक है, हमने लिखा क्या एक, ओके। अब देखिए, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। क्या आपको नहीं पता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर नहीं पता है तो ऊपर आई के बटन में रखा हुआ है वीडियो, वहां से आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा होगा संयोजकता निकालना, कैसे है ना, उससे आपको पता चल जाएगा, उस वीडियो में मैंने बताया है। तो ये है हमारे पास कार्बन फ्रेंड्स, और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन, तो हम यहां चार इलेक्ट्रॉन रख दें, एक दो तीन, और ये रहा चार, ओके गाइस। अब देखिए, यहां चार इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन कितने, चार है, तो मैंने यहां चार हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन, और यहां चार हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दिया, ओके। अब आप क्या करो, सभी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, यहां से यहां तक जोड़ दो, ओके, ये लीजिए मैंने जोड़ दिया। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हमारे पास आ चुका है। अब यहीं से निकलेगा IUPAC। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर कार्बन की संख्या एक तो पहले लिखेंगे मेथ, क्योंकि परफिक्स पहले लिखा जाता है, तो हम इसमें चलेंगे, उसके बाद हम इसमें चलेंगे। तो कार्बन की संख्या एक, तो दोस्तों इसमें आप गौर कीजिए कि कार्बन कितने हैं, देखिए आप बीच में एक ही कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसके लिए हम लिखेंगे मेथ, लिख देते हैं मेथ, ओके, और लगाएंगे बीच में प्लस का निशान। अब देखिए, अगर एक बाउंड होगा ना, तो उसके लिए हम लिखते हैं एन, और दो बाउंड होगा तो इन, और तीन बाउंड होगा तो आई। तो गाइस, आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहां भी एक बाउंड है, यहां भी एक बाउंड, यहां भी एक बाउंड, यहां भी एक बाउंड, तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि एक ही बाउंड आ रहा है
कार्बन इस हाइड्रोजन में देखो तो भी एक बाउंड ही, चाहे कार्बन इस हाइड्रोजन में देखो तो भी एक ही बाउंड आ रहा है। तो एक बाउंड के लिए लिखते हम एन लास्ट में, क्या लिखते हैं एन। तो दोस्तों अगर इन शब्द को एकदम जोर करके अगर पढ़ोगे ना तो पढ़ने में आएगा मेथेन, क्या आएगा मेथेन। तो दोस्तों हम लिखेंगे मेथेन इस तरह से, आ गया ना दोस्तों, कमाल हो गया दोस्तों। देख सकते हैं कि CH4 का IUPAC नाम क्या आ गया, मेथेन आ गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि CH4 क्या है हमारे पास, ये मेथेन है। ओके फ्रेंड्स, आइए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब गाइस हमारे पास जो है C2H6 और इसका आपको निकालना IUPAC नेम। दोस्तों IUPAC नेम निकालने से पहले आपको करना क्या, संरचना सूत्र इसका ज्ञात कर लेना है। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, दो है, तो हम दो कार्बन यहां से लिख देंगे। ये देखिए दो कार्बन मैंने लिख दिया और सभी कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। वैसे आप कहीं भी लिख सकते हैं लेकिन इसके आजू बाजू में ही आपको सजाना है। इस कार्बन की भी चार इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। ओके हाइड्रोजन कितने, छह है, तो सभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन और ये रहा छह हाइड्रोजन मैंने सजा दिया। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी और इसका भी और इसका भी, सबका रखिए और सभी के इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ दीजिए, यहां से यहां जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इसको, ये थोड़ा टेढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, यहां से इससे जोड़ दीजिए, फिर ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। दोस्तों कमाल हो गया, ये हमारे पास आ गया संरचना सूत्र। जी हाँ आप इसका संरचना सूत्र भी निकालना सीख गए। तो दोस्तों अब हम इसका निकालेंगे IUPAC में, बिल्कुल आसान है। कैसे निकालेंगे देखिए, कार्बन की संख्या कितनी, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, टोटल दो कार्बन है और मैं लिख रखा है कि अगर कार्बन की संख्या दो होगी ना तो पहले लिखेंगे एथ। हम लिख देते हैं अब यहाँ एथ, ओके मैंने लिख दिया एथ, और लगाना आपको प्लस का चिन्ह, जैसा कि आप जानते हैं कि सफिक्स को हम लास्ट में लिखते हैं। ओके सफिक्स में देख लीजिए कंडीशन हमें दिया हुआ है, तो एक बाउंड रहेगा तो एन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सभी, यहाँ दो कार्बन है, इस बीच में क्या एक बाउंड है, अगर कार्बन हाइड्रोजन में भी देखो तो एक ही बाउंड है, यानी सब में एक बाउंड आ रहा है कुल मिलाकर के कहा जाए। तो एक बाउंड के लिए हम लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन। अब गाइस इसको पढ़ो तो एथेन आएगा, देखिए इसको पढ़ करके क्या आएगा, एथेन। देखिए तो इसको हम एथेन कैसे लिखेंगे, इस तरह से एथेन लिख देंगे। ओके आ गया दोस्तों, तो C2H6 क्या हमारे पास, एथेन है। ओके फ्रेंड्स आइए गाइस अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास है C3H8 और C3H8 का अब हम निकालेंगे IUPAC नेम, बिल्कुल आसान है। आप इसका निकाल लीजिए संरचना सूत्र। गाइस देखिए इसको, कार्बन की संख्या तीन है ना, तो आप क्या करो, कार्बन की संख्या तीन है तो ऐसे लिख लीजिए, एक कार्बन, दो कार्बन और ये रहा तीन कार्बन, सभी के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ, यानी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के, चार, तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कितने, आठ है, तो आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात और ये आठ। ओके और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन मैंने सजा दिया। सबको आपस में जोड़ दो इस तरह से, इसका हो जाएगा संरचना सूत्र निकल जाएगा। आपके 10th क्लास के दिया हुआ है पेज में आप देख सकते हैं, वहां देख लीजिएगा। ओके ये टेबल आपको दिया होगा 10th क्लास के बुक में, आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री में। तो गाइस अब देख सकते हैं, अब इसका निकालेंगे IUPAC नाम। तो दोस्तों कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या एक दो तीन और मैंने बोला कि तीन कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, क्या लिखते हैं प्रोप। ओके और लगाएंगे जोर का निशान और उसके बाद देखिए सभी के बीच कितने बाउंड है, एक बाउंड, एक बाउंड, एक बाउंड, यानी सभी के बीच एक ही बाउंड है और एक बाउंड रहेगा तो उसके लिए लिखते हैं लास्ट में एन, तो हम लिखेंगे एन। अब कुल मिलाकर के दोनों एक साथ पढ़ो तो पढ़ाएगा प्रोपेन, क्या पढ़ाएगा प्रोपेन। तो गाइस हमारे पास जो आया C3H8 क्या हुआ, प्रोपेन हुआ, ये आ गया हमारे पास IUPAC नाम। देखिए कितना आसान है, वीडियो पसंद आया ना तो कर दीजिए लाइक ताकि आपका भाई मोटिवेट हो जाए। दोस्तों आप कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि पार्ट 2 लाइए, हम नहीं ला रहे थे क्योंकि यार टेंशन बहुत ज्यादा है,
अभी भी है, फिर भी मैं सोचा कि बनाना तो पड़ेगा, कुछ है टेंशन तो कैसे भी तो झेलना ही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है C4H10, और इसका हम निकालेंगे IUPAC नाम। तो इससे पहले आप निकाल लीजिए इसका संरचना सूत्र। कैसे निकालेंगे? कार्बन की संख्या चार है तो हम लिखेंगे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये रहा चार कार्बन, मैंने निकाल दिया। ओके, अब सभी कार्बन के बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, चार, इसके भी चार इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, और ये रहा चार, एक, दो, तीन, चार, हो गया। अब हाइड्रोजन के 10, तो 10 हाइड्रोजन इसके आजू बाजू सजा दीजिए, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, ये रहा पांच हाइड्रोजन, ये रहा छ, सात, आठ, नौ, और ये रहा 10। सभी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। ओके, नो टेंशन, इस तरह से आप डाल दीजिए, डाल दिए। अब बना दीजिए इसका संरचना सूत्र, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इस तरह से आप मिला देंगे, इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। ओके, सभी आपस में मिला दीजिए, नो टेंशन। चलिए मैंने मिला दिया। अब देखिए यहां पे गाइस कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या एक, दो, तीन, चार। अब चार कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों? चार कार्बन होगा तो ब्यूट लिखेंगे, तो हम लिख देते हैं ब्यूट। क्या लिख देंगे गाइस? ब्यूट, और लगाएंगे प्लस का निशान। अब उसके बाद हम चले जाएंगे सफिक्स में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सभी के बीच एक एक बाउंड है, सब में एक ही बाउंड है, तो एक बाउंड के लिए हम लिखेंगे लास्ट में एन। क्या लिखेंगे? एन। अब हमारे पास आ गया, सबको लिखेंगे आपस में तो जोड़ करके, तो लिखा आएगा ब्यूटेन। क्या आएगा? ब्यूटेन। ओके, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं C4H10, ये हमारे पास क्या आया? ब्यूटेन आया, इसका IUPAC नाम निकल गया। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये मैं एक क्वेश्चन देता हूं, और इसका आप IUPAC नाम निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।